जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है तुषार यादव और इस वीडियो में हम इजराइल और फलस्तीन में चल रहे वर्तमान विवाद को समझेंगे। इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए इससे पिछली वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूनाइटेड नेशन ने ब्रिटिश के साथ मिलकर फलस्तीन का पार्टीशन करा और फलस्तीन को तीन हिस्सों में बांट दिया, इजराइल, फलस्तीन और इंटरनेशनल सिटी ऑफ जेरूसलम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जेरूसलम तीनों धर्मों की सबसे पवित्र जगह है, जिस वजह से जेरूसलम को ये स्पेशल स्टेटस मिला। लेकिन ये बात अरब कंट्रीज ने नहीं मानी, क्योंकि वो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं चाहते थे और उन सब लोगों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में इन दोनों के बीच एक डिफरेंस था। यहाँ अरब देश लड़ाई लड़ रहा था अपनी पावर के लिए, लेकिन वहीं इजराइल ये लड़ाई अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा था, जिस वजह से उसकी जीत हुई। क्योंकि इस जगह के अलावा पूरी पृथ्वी पर ज्यूस लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है, और क्योंकि अगर अरब ये वॉर जीत जाता तो इजरायली देश ही नहीं हारते, वो लोग धरती से ही खत्म हो जाते, जिस वजह से सभी इजरायली अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़े और तीनों देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ऐसे ही 1967 में भी हुआ, इजरायल ने 6 दिन में युद्ध जीत लिया और द सिक्स डे वॉर का इतिहास रच दिया। और इजरायल ने ये प्रूव कर दिया कि कोई कमजोर या ताकतवर नहीं होता, सब समय की नजाकत होती है। वर्ल्ड वॉर टू में लाखों जूस लोगों को मारा गया, उन पर अत्याचार हुए, लेकिन वो डरे नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने समय लिया, पढ़ा लिखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, जिस वजह से आज वो देश पूरे विश्व में किसी से नहीं डरता। लेकिन वहीं फलस्तीन में लोगों ने रास्ता दूसरा चुना और वो रास्ता बहुत गलत निकला। फलस्तीन ने कभी भी अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया, उसने हरदम अपने रीजन को आगे रखा और वो हरदम इस चीज पे लड़ता रहा कि हमें जमीन चाहिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। और कभी उसने अपने एजुकेशन से नहीं लड़ा, कभी उसने अपने लिए नहीं लड़ा, कभी अपने हॉस्पिटल्स के लिए नहीं लड़ा, कभी उसने अपने हक के लिए नहीं लड़ा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा। चले थे सामने वाले को लूटने, लेकिन अपने कपड़े तक भी नहीं बचा पाए। ये लाइन फलस्तीन के ऊपर लगती है, क्योंकि उसने ऐसा ही करा। ऐसे ही टाइम बीतता रहा, फलस्तीन हर बार इजराइल के लिए साजिश रचता रहा और इजराइल जीतता रहा और अपना एरिया बढ़ाता रहा, और जिस वजह से आज फलस्तीन के पास सिर्फ 12% बचा है, जो उसको यूएन ने अलॉट करा था 48% था। अगर हम फिलहाल की बात करें तो फलस्तीन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है गाजा स्ट्रिप वाला एरिया और एक है वेस्ट बैंक वाला एरिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों पार्ट है तो फलस्तीन के ही, लेकिन इन दोनों एरिया के लोगों में एक फर्क है। जो वेस्ट बैंक वाले लोग हैं वो अरब देशों की बात मानते हैं और वो पीसफुल प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर यकीन रखते हैं, और अगर अत्याचार ज्यादा भी हो जाए तो वो हद मारकर पत्थरबाजी कर देते हैं, कोई बम मिसाइल वगैरह नहीं फोड़ते। लेकिन वहीं गाजा स्ट्रिप वाले जो लोग हैं, उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब है धोनी कक्कर के गाने में मतलब ढूंढने जैसा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे बस कर भाई, कैसा लगा मेरा मजाक? आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। वो देश फॉलो करते हैं ईरान की आइडियोलॉजी, आतंकवाद वाली। इसलिए 2006 लेजिस्लेटिव इलेक्शन में हमास, एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप, गाजा स्ट्रिप के लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीत गया, और जीतने के तुरंत बाद ही ईरान ने इजिप्ट के रास्ते से हमास को मिसाइल लॉन्चर, मशीन गन्स और बहुत कई तरीके के वेपन्स भेज दिए। ये सारी चीज मैंने इसलिए आप लोगों को बताई क्योंकि आज की न्यूज सिर्फ आपको आज की ही बात बताती है, लेकिन हिस्ट्री आपको हकीकत बताती है। अब आपने बोला कि भाई चलो फलस्तीन तीन लड़ाई हार गया, इजराइल मजबूत हो गया, फलस्तीन में इलेक्शन हो गए तो हमास जीत गया, तो अब 2021 में क्या दिक्कत आ गई? तो दिक्कत है एक वर्ड जो है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन, आप में से 40% लोग ही इस वर्ड का मीनिंग जानते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल लॉज में इस वर्ड का महत्व उतना है जितना क्रिकेट में सचिन का। एनेक्सेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन ऑन समवन्स टेरिटरी, मतलब कि किसी भी दूसरे देश की जगह पर जाकर कब्जा कर लेना और उस जगह पर अपना पुराना दावा करके वहां पर अपने लोगों को बसा देना। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें फर्क क्या है, ये तो हर कोई कंट्री करती है, ये तो सब करते हैं। तो नहीं दोस्त, देयर आर टू और मोर वर्ड्स फॉर दिस सिचुएशन, सेशन एंड कॉन्क्वेस्ट। सेशन मतलब लीगली किसी देश को अपने अंडर लेना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने सिक्किम को 1975 में लीगली अपने अंडर लिया था, और कॉन्क्वेस्ट मतलब किसी जगह को लड़कर छीन लेना, यानी फतह कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मौर्यन एम्पायर ने करा था, सभी आसपास के देशों को युद्ध में जीतकर अपना राज्य बना लिया।
और इन दोनों से एक बिल्कुल डिफरेंट होता है एनेक्सेशन। द एग्जाम्पल ऑफ एनेक्सेशन आर 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और रीजन दिया कि राजा ने ये हमें दिया था, दैट वाज एनेक्सेशन। 1951 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और बाद में 1962 में इंडिया का अक्साई चीन छीन लिया और रीजन दिया कि क्विंग रूल के दौरान तिब्बत चाइना का पार्ट था, सो दैट वॉज एनेक्सेशन। 1961 में इंडिया ने गोवा पर कब्जा कर लिया जो कि उस टाइम पोर्टुगल की टेरिटरी थी, रीजन दिया कि ये हमारी टेरिटरी थी, दैट वॉज एनेक्सेशन। और आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब इंडिया ने गोवा को अपने अंडर लिया तो यूएस, चाइना, यूके और फ्रांस ने मिलकर इंडिया पर सैंक्शंस लगाने का फैसला लिया और तब हमारे पुराने मित्र सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने वहां वीटो पावर यूज करी और उनके डिसीजन पर वीटो कर दिया। और अब 2021 में जो इसराइल पैलेस्टाइन के साथ कर रहा है वो भी है एनेक्सेशन। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई? सो इन सब की शुरुआत होती है 1 मई 2021 को। इसराइल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि जो पैलेस्टीनियन शेख जरा में रह रहे हैं वो अपनी जगह खाली कर दो, वहाँ पर इसराइल सेटलर्स का हक है। शेख जरा एक जगह है जो कि ईस्ट जेरूसलम सिटी के पास है और कोर्ट ने रीजन दिया कि अब से 100 साल पहले यहूदी यानी ज्यूस लोगों ने अरब लोगों से ये जमीन खरीदी थी और उन्होंने अरब लोगों को उस टाइम पर बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, जो कि सच भी है क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश ने ये प्रपोजल लाया था कि ये दो स्टेट बनाएंगे, एक ज्यूस लोगों के लिए और एक पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, जिस वजह से सभी ज्यूस लोगों ने वहां पर जमीन खरीदनी स्टार्ट करी थी और अरब लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटे पैसे दिए थे। तो दोस्तों हुआ ना ये एनेक्सेशन। आप सब लोगों को पता है कि ये रमजान का और ईद का टाइम चल रहा है तो इस वजह से इसराइल इंटेलिजेंस को ये खबर मिली कि 10 मई को बड़े स्केल पर अल अक्सा मॉस्क के पास ही प्रोटेस्ट होने वाले हैं। अल अक्सा मस्जिद जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम धर्म के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह में से एक है, तो इसराइल ने अपनी पुलिस वहां डिप्लॉय कर दी। प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था कि वहां पर पुलिस और पैलेस्टीनियंस में बहस हुई और जिस वजह से वहां मारपीट स्टार्ट हो गई और वो लोग मस्जिद की तरफ भागने लगे और इसराइल पुलिस उनका पीछा करती करती मस्जिद में घुस गई और फिर उसके बाद जो हुआ आप सब उस चीज़ को अच्छे से जानते ही हो। और इसी वजह से अब ये इशू लैंड डिस्प्यूट का ना रहकर रिलीजन इशू बन चुका था। सभी देशों ने इसराइल की आलोचना की और इसराइल पर प्रेशर बनाया। इंडिया ने भी ये बोला कि वहाँ शांति बनाए रखी है। ये जो पूरा इंसिडेंस था ये जेरूसलम के पास हुआ था, वेस्ट बैंक के अंदर। और तभी आते हैं हमास के गाजा पट्टी वाले भाई। उनका मतलब नहीं, उनकी जमीन नहीं, उनका कोई मसला नहीं, उनका घर नहीं, और उन्होंने इसराइल पर 200 से भी ज्यादा मिसाइल दाग दी। अब यार वो इसराइल है, पाकिस्तान थोड़ी कि पड़ोसी घर में घुसकर मार गए और क्रिकेटर भाई को पता ही नहीं चला। इसराइल ने अपना आयरन डोम ओम करा और लगभग 90% से भी ज्यादा मिसाइल को हवा में खत्म कर दिया और जो बची उनसे इसराइल में 6 लोगों की डेथ हो गई, जिनमें से एक इंडियन सिटीजन भी थी जो कि एक नर्स का काम वहां कर रही थी। उनका नाम था सौम्या संतोष, उनकी भी वहां मृत्यु हो गई। और उसके बाद इसराइल ने F-16 प्लेन और ड्रोन से गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी जिसमें 67 से भी ज्यादा लोग मर गए, जिसमें बच्चे और औरतें भी थी। आज सब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या ये इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया किसके साथ होगा। देखो गाइस, ये 2021 चल रहा है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इसराइल और पैलेस्टाइन का इंटरनल मैटर है और कोई भी देश इस मामले में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। और अगर बाई चांस ऐसा हुआ भी तो इंडिया यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा। अब हमारे देश की कुछ मुस्लिम आबादी जो है वो ये चाहती है कि इंडिया पैलेस्टाइन का सपोर्ट करे, लेकिन गाइस ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया यहाँ पर ना ही इसराइल को सपोर्ट कर सकता है और ना ही पैलेस्टाइन को, क्योंकि अगर इंडिया ने पैलेस्टाइन का सपोर्ट करा तो हमारी जितनी भी डिफेंस का सामान आता है इसराइल से फिर वो नहीं आ पाएगा। और अगर हमने इसराइल का साथ दिया तो पाकिस्तान और चाइना को ये मौका मिल जाएगा कि एनेक्सेशन इज लीगल और वो भी POK और अक्साई चीन पर अपना कब्जा लीगल कर लेंगे। और यही वो रीजन है जिस वजह से आज इंडिया न्यूट्रल है। और गाइज आखिर में हमें इसराइल से यही सीखने को मिलता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो कभी हार मत मानो। ऐसा नहीं है कि हम POK और अक्साई चीन नहीं लेंगे, हम लेंगे, जरूर लेंगे और लेकर रहेंगे, लेकिन तब जब हम उस काबिल हो जाएंगे कि हम चाइना की बराबरी कर सके। सो गाइज ये था डीप एनालिसिस ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। और आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, ये देखो 70% से ज्यादा लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइज प्लीज वीडियो भी देखो, नॉलेज भी लो और साथ में सब्सक्राइब भी करो। खुश रहिए, हंसते रहिए और घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।